इंडिया गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, जो अब एक साथ टीम में जाके शिकार कर रहे हैं। प्रेस के हमारे मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। 24 घंटा उनका काम करते रहते हैं। इन बेचारों की गलती नहीं है, इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अदानी है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है, और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाई और बहनों ये है, हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है।
और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट बनेगी। जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए, हर महीना 1 तारीख को कटाकट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को मदद की, वैसे ही हम करोड़ों लोगों को लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये पैसा हर महीने मिलेगा और उस दिन तक मिलेगा जिस दिन तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे होंगे। जब तक ये गरीबी रेखा के ऊपर नहीं जाएंगे, उस दिन तक हर महीने इनको पैसा मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। ये मीडिया वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया गठबंधन गरीबों की आदत बिगाड़ रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं, जब नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया तो उनकी आदत नहीं बिगड़ी क्या? अरबपतियों की आदत नहीं बिगड़ी क्या? और आपको जो कहना है कहो, जो मीडिया वालों को कहना है कहो, आप कहते हो मोदी जी का जितना फोटो लगाना है लगाओ, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो। आप हो ही मोदी के, आप अदानी के हो, आप मोदी के हो, आप किसानों के नहीं हो, मजदूरों के नहीं हो, गरीबों के नहीं हो, पिछड़ों के नहीं हो, दलितों आदिवासियों के नहीं हो। भाइयों और बहनों,
नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बनाया। कोविड आया, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। और जो मजे की बात आप सुनिए, आपसे उन्होंने कहा थाली बजाओ, और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में जो लोग, जिस कंपनी ने वैक्सीन बनाई, उस कंपनी से बीजेपी ने करोड़ों रुपया लिया, करोड़ों आपका रुपया। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया। आप मर रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं था, वेंटिलेटर नहीं था, और आपसे वो कह रहे थे थाली बजाओ, और कंपनी वो कह रहे थे हमें पैसा दो। ये नरेंद्र मोदी की सच्चाई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में साफ लिखा है। भाइयों और बहनों, बेरोजगार युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की स्कीम है। मतलब समझा देता हूं, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, सरकारी ऑफिसेज में एक साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं है। किसानों से कहना चाहता हूं, उन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और मजदूरों से कहना चाहता हूं, आज आपको 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, आपको 400 रुपए मिलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार आने के एकदम बाद। आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं से कहना चाहता हूं, आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मन बना लिया है, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया, उतना पैसा इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को देने जा रही है। कर लो जो करना है आपको, आप जो करोगे करो, हम जो करने वाले हम करेंगे। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। बात खत्म हो गई है, मीडिया वाले नहीं बताएंगे, मगर याद रखो, कोरोना के बारे में मैंने कहा था, याद रखो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला है। यहां पे मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है, सबसे ज्यादा वोटों से जिताना है। इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं मिलकर एक हो जाओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी के बाकी, देखो इतना जोश है, आपने छत को भी रोक दिया। शाबाश। तो नीचे से इतनी शक्ति है कि छत भी रोक दी आपने। मैं देख रहा हूं जहां मैदान में लोग हैं, और बड़ी संख्या में अभी भी लोग आ रहे हैं, जो हमारा बाईं तरफ मंच है,
और सड़क के किनारे जितने भी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे बड़ी संख्या में लोग हैं, मंच के पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। ये कन्नौज के हमारे अपने लोग इस बार न केवल जिताने जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से ऐतिहासिक वोट देकर से देश की बड़ी जीतों में शामिल होने जा रहे हैं। मुझे अपना पहला चुनाव याद आ रहा है, जो हमारे पुराने साथी होंगे वो जानते होंगे कि इसी मैदान में मैं पहली बार आया था और उस मंच पर नेताजी से लेकर के पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता थे और जब मुझसे अपील करने के लिए कहा गया था, मुझे आज भी याद है कि केवल मैंने नाम लिए थे और केवल आप लोगों से सहयोग मांगा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी कन्नौज की उस जनता ने मुझे, जो पहला चुनाव था, अच्छे वोट से जिता करके भेज दिया। उस समय जो बातें कही गई थी, नेताजी ने कहा था, याद होगा, कि मैं इसे आपके आपको अपने बीच में भेज रहा हूं, इसे नेता बना देना। हमारी पार्टी के दूसरे नेता ने कहा था कि इसको सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के अपनी पूरी राजनीतिक जीवन में आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। और उसका परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी मुझे चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, लेकिन अपने कन्नौज के लोगों को कभी मैंने छोड़ा नहीं। एक कन्नौज का एक लंबा समाजवादी इतिहास है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से शुरू होता है, नेताजी से लेकर के, और जब भी समाजवादी पार्टी ने जिसको आपके बीच में लड़ाया होगा, आपने ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम किया। और जब मैं जीता हूं तो इस कन्नौज को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया है। इसी कन्नौज में जितने भी बड़े बड़े काम आज दिखाई दे रहे हैं, सबके सब समाजवादियों के किए हुए हैं। अगर कोई हाईवे पे चलता होगा तो वो जानता होगा कि समाजवादियों का हाईवे है। कोई चला होगा, लेकिन हाईवे को हम लोगों ने कभी धुलवाया नहीं होगा। जो लोग आज के दिन जब हम याद कर रहे हैं और अपने परशुराम जयंती के दिन, अक्षय तृतीया के दिन जब ये कार्यक्रम होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि कन्नौज की जनता, ऐसे लोग जो हमारे और आपके बीच में दीवार बनकर के खड़े हैं, समय समय पर समाज को तोड़ने का संदेश देते हैं, उन सबको आप धोने का काम करोगे, एक एक वोट डाल करके धोने का काम करोगे। वैसे तो चोरी में झगड़ा तभी होता है जब बंटवारा ठीक से नहीं होता है। चोरों में झगड़ा तभी होता है जब चोरी की चीज का बंटवारा ठीक ना हो। और हमें तो वो दिन भी याद आ रहे हैं जो लोग कहते थे बादलों की वजह से रडार से दिखाई नहीं देता है और नाले की पाइप से गैस निकाल करके चाय बनाई जा सकती है। आज वही लोग
और उनके सहयोगी लोग कह रहे हैं कि जो वैक्सीन निकाल ली है, जो वैक्सीन लगवाई है, जिनके पास ऐसा ज्ञान है, तो उनपे ये भी तो ज्ञान होगा कि वैक्सीन जो लग गई है वो वैक्सीन कैसे निकाली जाएगी। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहना चाहता हूं, हमारा किसान, नौजवान और इस देश की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंग आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है। और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यहां आकर के और अपील हम लोगों के लिए करने आए हैं, हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उनकी बात भी सुनेंगे और उन्हें बधाई भी देंगे कि जो उन्होंने यात्राएं की हैं, चाहे वो न्याय यात्रा हो या मोहब्बत को लेकर के उन्होंने जो भाईचारे को लेकर के मिलीजुली संस्कृति को लेकर के यात्राएं की हों, और आज जब वो कन्नौज में आए हैं, अगर मोहब्बत और सुगंध मिल जाए तो सोचो कितना परिवर्तन हो सकता है। और हम अपने कन्नौज के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, जो हमारे विकास की सुगंध रोकी है उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज के दिन जब आप वोट डालने जा रहे हैं कुछ दिन बाद, मैं एक ही अपील आपसे करना चाहता हूं कि आज जब आप आए हैं, आज के बाद कल आखिरी दिन होगा प्रचार का, उसके बाद प्रचार नहीं हो पाएगा। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने गांव, अपने बूथ पर जाकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल के साथ साथ वोट गलवाने की तैयारी करना। हम लोग आ पाए ना पाए, बताओ आप लोग तैयारी करोगे बूथ पर? और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम, 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये चौथे चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत, ये चौथे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने कन्नौज के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर राहुल गांधी जी का कन्नौज शहर में, जो ऐतिहासिक शहर है, हमारा न केवल इतिहास पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है, बल्कि सुगंध और यहाँ के व्यापार की वजह से कन्नौज की एक अलग पहचान है। मैं अपने कन्नौज के लोगों का भरोसा दिलाता हूँ कि कन्नौज की पहचान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों और दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि राहुल गांधी जी ने रामलीला के मैदान में कहा, अखिलेश यादव जी हर सभा में कह रहे हैं कि ये 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अगर गलती से जीत गई तो ये संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, चुनाव को खत्म करेंगे, अपने वोट को बचाने के लिए इस बार वोट कीजिए और बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम कीजिए।
और जब मैं कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म करेंगे तो इस बात के आधार पर कह रहा हूं कि भागवत जी ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, मनमोहन वैद्य आरएसएस के नेता कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए, 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया था जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। लल्लू सिंह कहते हैं अयोध्या के प्रत्याशी संविधान खत्म करो, ज्योति मिर्धा कहती हैं संविधान खत्म करो, अरुण गोविल कहते हैं संविधान खत्म करो, अनंत हेगड़े कहते हैं संविधान खत्म करो। अरे जो बाबा साहब का संविधान खत्म करेगा हम उसकी राजनीति खत्म करेंगे, ये संकल्प हमको लेना है। इतनी नफरत है भाजपा के मन में, इतनी नफरत, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, 5 साल तक, और जब अपना घर खाली किया तो भाजपा के लोगों ने गंगा जल से वो घर धुलने का काम किया। इतनी नफरत, अभी कुछ दिन पहले कन्नौज के अंदर अखिलेश यादव जी एक मंदिर में चले गए, उस मंदिर को गंगा जल से धुलने का काम किया। इतना अपमान करते हो आप, इतनी बेइज्जती करते हो आप, इतनी घृणा है आपके मन में पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति। मैं आप लोगों से निवेदन करने के आया हूं, जो अखिलेश यादव का अपमान हुआ अपने वोट की ताकत से उसका बदला ले लेना। तैयार हो सब लोग, तैयार हो ना, तैयार हो। मंदिर का शिलान्यास होता है, दलित समाज से आने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते। मंदिर का उद्घाटन होता है, आदिवासी समाज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाते। अपमान करते हो आप दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। इसीलिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है पीडीए मिलकर इस बार भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। तैयार होना सब लोग। मोदी जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार। हमने कहा इन चक्करों में मत पड़ना, ये मोदी जी का जुमला है। गए थे बंगाल में, बोले 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, बोले 65 पार, आई 23 सीट। गए हरियाणा में, बोले 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, आई 65 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार। तड़ी पार करना है ना। राहुल गांधी जी लगातार अडानी अंबानी के खिलाफ बोल रहे थे, 10 साल में मोदी जी को अडानी अंबानी का नाम नहीं याद आया। चुनाव में अब कह रहे हैं अडानी के खिलाफ नहीं बोलते, अंबानी के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मोदी जी, अगर आपको टेम्पू का नंबर मालूम है तो ईडी सीबीआई भेजो, अडानी अंबानी को गिरफ्तार करो, करो गिरफ्तार उनको, करो गिरफ्तार। इसलिए इस जुमले में नहीं फंसना है। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। साथियों और दोस्तों, अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के जो काम किए उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं, उसके फीते आज तक काटे जा रहे हैं। इसलिए ये लोग स्कूल नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, बिजली पानी नहीं दे सकते। मोदी जी आए थे कोरोना के टाइम में, उन्होंने कहा भाइयों और बहनों, गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये शमशान बनाने वाले लोग हैं, ये आपके बच्चों को स्कूल अस्पताल नहीं दे सकते। हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद।